अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक अलार्म क्लॉक और डिजिटल अलार्म क्लॉक। तो आज इसका रिव्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इस पैकेजिंग में आई है जो मैंने चाइना से मंगवाई है। बेशक ऑर्डर दराज से की थी लेकिन ये आई चाइना से। तो इसको मैंने ओपन किया हुआ है, इसको खोलते हैं। तो ये इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं। ये क्रिएटिव मल्टी फंक्शनल क्लॉक है और मॉडल इसका SC805 है। दिखने में ये घड़ी अच्छी है, इसको भी आपको खोल के दिखाएंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बॉक्स को देख लेते हैं। अगर आप बॉक्स को देखते चलें तो यहाँ पे इसकी बैक साइड है, साइड पे इसके वाइट रंग मेंशन है, कौन सा वाला रंग है। इसमें पिंक, ब्लू, ग्रीन और रेड भी आता है। उसके अलावा दूसरी साइडों पर कुछ नहीं है। इस साइड पर इसके फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये क्लॉक रिमाइंड कराती है, रिमाइंडर इसमें अलार्म क्लॉक है, यानी इसमें टाइम दिखाते हैं। इसमें कैलेंडर की ऑप्शन है, इसमें ह्यूमिडिटी डिस्प्ले है, ह्यूमिडिटी का इसका बड़ा अच्छा फीचर है। इसमें टेम्परेचर है, ये कितना दर्जा हरारत है, और इसमें टाइमर है। उसके अलावा जो ये बड़ी अच्छी है एज अ टेबल क्लॉक के लिए, ऑफिस क्लॉक के लिए। तो इसको खोलते हैं, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये इसका बॉक्स, हमने बॉक्स को ओपन कर लिया और यहाँ से हमने इसको खोलना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी डब्बा आ गया, ये क्लॉक इसके अंदर है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं इटसेल्फ, हम क्लॉक पे थोड़ी देर में आएंगे। ये इसका ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो हम पहले खोल लेते हैं। और ये बॉक्स ख़त्म हो गया। ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखें तो इसके अंदर इसके फंक्शंस, किस तरह ये काम करती है, किस तरह इसकी सेटिंग की जाती है, वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी। आप देख सकते हैं कितनी ऑपरेशन वोल्टेज है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर कितनी देर में काम करता है, ये बटन्स के फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये डिस्प्ले के मुतल्लिक लिखा हुआ है। एक जो इसकी बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये आपको डिस्प्ले वेदर की तस्वीर बनाकर दिखाती है कि आज क्लाउडी है, आज बारिश हो रही है, आज सूरज है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। बाकी सारा कुछ ऑन डिस्प्ले है, कोई चीज़ आपको आगे पीछे नहीं करनी पड़ती। डेज आपके सामने लिखे हुए आ जाते हैं और ये डेट लिखी है। तो इन चीज़ों में हम क्लॉक में आएंगे तो हम दिखाएंगे आपको। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, किस तरह इस्तेमाल करनी है, मेन इंस्ट्रक्शंस और अलार्म के मुतलिक और अलर्ट के मुतलिक और दूसरी चीज़ों के मुतलिक इसके अंदर बातें लिखी हैं। तो ये सारा स्टडी करके आप क्लॉक को जान सकते हैं। क्लॉक की तरफ आते हैं तो ये इस तरह के पैकेजिंग में, वैसे आप देख सकते हैं अभी आपको इसका डिस्प्ले में ऑन नज़र आ रहा है। जब ये क्लॉक आती है तो ये विदाउट सेल्स होती है। तो ये देखिए ये क्लॉक आ गई आपके सामने, ये विदाउट सेल क्लॉक होती है। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले कितना अच्छा लग रहा है इसका। वेदर का फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, टेम्परेचर लिखा हुआ आ रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी लिखी हुई आ रही है 73, सिक्स ओ क्लॉक टाइम हो गया हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे डेज आ रहे हैं, डेट आ रही है, अलार्म मैंने इसका 7 बजे का लगाया है वो आ रहा है, यहाँ से अलार्म इसका सेट होता है। उसके अलावा आपको क्लॉक बाहर से दिखाते हैं, ये आप इसकी साइडें देखें। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी सेल्स डालते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है, इससे मुराद ये है कि ये सी थ्रू है, यानी जो भी डिस्प्ले है वो सी थ्रू है, आप उसके अंदर से शीशे की तरह देख सकते हैं। तो ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इसके पीछे हाथ नज़र आ रहा है और आगे क्लॉक अभी भी चल रही है। तो ये सी थ्रू डिस्प्ले है। बाकी इसके फंक्शन और इसकी चीज़ों के मतलब बात कर लेते हैं। ये इसका सेटिंग का फंक्शन है, अगर आपने चीज़ें सेट करनी है, अलार्म सेट करना है तो आप यहाँ से सेट करेंगे। ये सेटिंग्स को दबाई रखेंगे तो आप टाइम और दूसरी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं अलार्म को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से ऊपर नीचे करके। ये इसका ऊपर करने वाला बटन है, इससे ऊपर की तरफ जाएगा। ये इसका नीचे करने वाला बटन है, ये नीचे की तरफ जाएगा। सेट वापस रखना है तो आप सेटिंग को दबाएंगे, दोबारा सेट हो जाएगी। ये इसका टाइमर बटन है, यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ये टाइमर आपने स्टार्ट कर दिया, टाइमर इसका स्टार्ट होता है इस प्ले बटन से, ये टाइमर स्टार्ट हो गया। उसके अलावा इधर से ही बंद हो जाता है। और ये इसका प्ले बटन है, ये जो छोटा सा बटन आप देख रहे हैं प्ले बटन है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अक्सर वीडियोज़ में ना आर्टिकुलेट नहीं होता, लेकिन अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह कर सकता हूँ। उसके अलावा अब आपने अगर टाइमर ऑफ करना है, यहाँ से टाइमर ऑफ हो गया। अगर आपने टाइम सेट करना है तो आप सेटिंग्स के बटन को दबाई रखेंगे। 2022 का साल चल रहा है, यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। ये डेट अभी चेंज होगी, डेट का चेंज करने का फंक्शन आ गया है। यहाँ पे
डेट और मंथ चेंज करने का फंक्शन है। ये 12 वॉट क्लॉक अभी की हुई है, 12 वॉट का फंक्शन आ गया और ये टाइम चेंज करने का फंक्शन आ गया जो ऊपर नीचे हो सकता है। मैं इसमें अभी कोई सेटिंग नहीं करूँगा क्योंकि पहले से सारा कुछ सेट हुआ है। तो ये इस क्लॉक के मतलब सारी बातें थीं। बाहर क्लाउडी मौसम है और ये क्लाउडी ही दिखा रही है। टेम्परेचर 32 है, हर एक मिनट के बाद टेम्परेचर अपडेट होता है इसका। और इसके अंदर और अब हम आपको इसका अलार्म फंक्शन दिखाएंगे। इसको हम सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स दबाई रखेंगे और 610 हम टाइम सेट कर देंगे और अब ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा 2 सेकंड में। ये आप देखें, इतनी इसके अलार्म की आवाज़ है। इसको बंद करने के लिए आप कोई भी बटन दबा दें, ये बंद हो जाता है। इसके अलावा कोई आपके जहन में इसका सवाल हो बताइएगा। इसके आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को, और ह्यूमिडिटी इसकी सेम रहती है। ह्यूमिडिटी का कोई और मीटर नहीं होता, वो परसेंटेज में ही रहती है। अभी मैंने डिग्री सेल्सियस में किया हुआ है। इसके अलावा कोई सवाल हो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुश है।